वन विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को वन पट्टा नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण आक्रोश में है। ग्राम सोघा काटा पंचायत सिकोई प्रखंड रायढी के ग्राम सभा द्वारा सभी दस्तावेजों की पूर्तता करने पर भी 2 वर्ष से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी आपत्ति लगाकर रोका जा रहा है। भारतीय संसद में पारित हुआ वन अधिकार कानून 2006 लागू होकर आज 15 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी झारखंड प्रदेश में कानून की धारा 3(1) झा के तहत एक भी गांव को सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार नहीं दिया गया। वास्तविक यह अधिकार गांव के स्वावलंबन स्वाभिमान के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला है। यह अधिकार किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र पर लागू होता है। गांव के परंपरागत सीमा क्षेत्र के वन भूमि पर वन संसाधनों का संरक्षण पुनर्निर्माण संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार देता है। इन अधिकारों से वंचित होने के कारण वनवासी बंधु पीड़ित एवं आक्रोशित हैं। इस समस्या का समाधान अगर समय पर नहीं होगा तो सभी ग्रामवासी सड़क पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। गुमला जिले से अजीत सोनी की रिपोर्ट। यहाँ जो सुगाकट्टा गांव है उसने 2 साल पूर्व ही सामुदायिक वनाधिकार हेतु आवेदन किया, उसकी सारी प्रक्रिया की है कि ग्राम सभा में वनाधिकार समिति का गठन हुआ, फिर उसका परंपरागत नक्शा निकालकर सीमावर्ती क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति ली है और फिर से ग्राम सभा सत्यापन ग्राम सभा की, जिसमें वन विभाग के भी फॉरेस्ट के गार्ड है, सीओ है, ये सब आए और सब लोगों ने इसको मान्य करते हुए ये एसडीएम के पास ये ज्ञापन दिया है। लेकिन गत 2 साल से वन विभाग द्वारा अलग अलग कुछ ना कुछ आपत्ति, ये कोई आरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, ये गांव के लोग मिल बांट कर इसको लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ गलत गलत बातों को लिखकर जो वास्तविक कानूनी नहीं है। जैसे हमने बताया कि किसी भी प्रकार के वन में इसको अधिकार मिलता है, लेकिन फिर भी गलत ढंग से गैर कानूनी मनमानी कुछ रिपोर्ट लिखते हुए इसको टाला जा रहा है। तो इसको ठीक करने हेतु हम अधिकारियों से मिले हैं, हमको एसडीएम अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी कानून के सम्मत है उस प्रकार से हम सारा जल्द ही इसको न्याय देंगे और सुगाकट्टा को सामुदायिक अधिकार के प्रति हम सजग होते हुए इस कार्य की पूर्ति करेंगे। तो इसके लिए लेकिन ये बात वृत्त पत्र के माध्यम से भी और सभी समाज के पास जाने की आवश्यकता है, इसलिए आज हम यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता में हम आपसे ये सब विनती कर रहे हैं कि ये सारी बातों को आप अपने वृत्त पत्र में अच्छी तरह से प्रसिद्धि दें। क्या नाम है सर? मेरा नाम है गिरीश कुबेर, वैसे मैं भोपाल रहता हूँ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का मैं राष्ट्रीय जनजाति हितरक्षा प्रमुख इस नाते से कार्य कर रहने वाले हैं। और हम लोग वन अधिकार के लिए 2 साल पहले जो भी इसका कागज पत्र हुआ ग्राम सभा करके मतलब जमा किए हैं, तो अभी तक मतलब ठोस निर्णय नहीं आया है, लटका करके रखा है हम लोग को, पता नहीं हम लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग का जो अगुवाई कर रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम के, वो लोग हम लोग का पीछे लगे हुए हैं कि जरूर ये सुगाकट्टा गांव को ये वन अधिकार का पट्टा दिलवाएंगे।